ईद और अक्षय तृतीया परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। यह त्यौहार शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाए, इसको लेकर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। आगामी हिंदू मुस्लिम त्यौहारों में किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा सांप्रदायिकता ना फैलाई जाए, इस बात को लेकर कंट्रोल रूम में DSP हेडक्वार्टर अरविंद शाह मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से जागरूक रहने के लिए कहा और उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप अपना त्यौहार रीति रिवाजों के साथ मनाएं, पुलिस परिवार ने आपकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इस बैठक में देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव व कोतवाली TI केदार सिंह यादव ने शांति समिति की बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और यदि फिर भी किसी के द्वारा जाति धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान आदि दिए गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज शांति समिति की बैठक आयोजित हुई है, इसमें कितने वर्ग के लोग एकत्रित हुए और आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? आज हम लोगों ने शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया है कि हमारा ईद त्यौहार है, अगर चांद के हिसाब से होगा तो 2 तारीख को पड़ेगा अंग्रेजी, अगर चांद नहीं हुआ तो 3 का तो है ही है। परशुराम जयंती भी बढ़ रही है उस दिन। अगर हम लोगों क्या है, यहाँ एक रहा है, शुरू से रहा है कि हम लोग जब भी कोई त्यौहार होता है शांति समिति के माध्यम से मीटिंग से हम लोग पड़ोसी हैं तो हम सारे लोग शांति और प्रेम भाईचारे से त्यौहार मनाते हैं, वो चाहे मुस्लिम त्यौहार हो या हिंदू त्यौहार हो, एक दूसरे साथ मिल करके बड़े प्रेम और भाईचारे के साथ मनता है। ईद और हम जी परशुराम जयंती भी बड़े मिलजुल करके उल्लास के साथ मनाएंगे। प्रशासन से हमने अपील की है और उन्होंने पूरा सहयोग किया है, वादा किया है, तो हम सारे लोग शहर के और अपने समाज के लोगों से हमने और आश्वासन दिया है मीटिंग में कि हम लोग सब लोग बड़ा प्रेम और भाईचारे से त्यौहार मनाएं, इसके लिए हमने मीटिंग में। शुभ नाम क्या लिखे? मैं निसार कुरैशी हूँ, प्रदेश महामंत्री लोकसभा। सबकी तैयारियों को लेकर क्या व्यवस्था की गई? परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी से पहले तो एक आपको बताएं कि इनका त्यौहार 3 मई का है, ठीक है। 3 मई का हमारा कोई चल समारोह नहीं है, हमारा चल समारोह है 7 मई का। 3 मई को हम केवल पूजन करेंगे परशुराम भगवान का, जलाभिषेक करेंगे, अपनी जो माँ अखंड रामायण वगैरह पूजन जो है वो सारी क्रिया हम 3 तारीख को मंदिर में करेंगे, हम बाजार में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम हैं, मिलकर रहना चाहते हैं भिंड में, अभी तक कोई हमारे भिंड में दंगा अभी तक नहीं हुआ, वरना दंगा होगा। इस बात से आप लोग आश्वस्त रहें साहब कि हम तो रोज पड़ोसी रोज साथ बैठते हैं, तभी आज तक भिंड में ऐसी स्थिति बनी ही नहीं कभी, ये भी हमारे भाई हैं। आप समाज वर्ग से क्या अपील करना चाहते हैं इस त्यौहार को? समाज वर्ग से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जैसे उस दिन ईद भी है 3 मई, तो 3 मई को हम सभी सहयोग करेंगे, ईद का भी सहयोग करेंगे, ईद भी अल्लाह ईद देगी ना, वो तो सब एक ही चीज़ है, हमारा समाज कहीं कोई विवाद नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है जी। शुभ नाम क्या लिखते हैं? शुभ नाम क्या लिखते हैं? भगवान दास सेठिया, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। समुदाय के लोग जैसा कि आप लोगों को विदित है 2 या 3 को ईद का त्यौहार और 3 को परशुराम जयंती का त्यौहार मनाया जाना है, इसके परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे आमंत्रित करके शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और दोनों पक्षों से अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे और दोनों पक्षों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि त्यौहार अच्छे से मनाएंगे, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। थाना देहात और कोतवाली क्षेत्र में आने वाले हिंदू और मुस्लिम भाइयों की शांति समिति की बैठक का आयोजन। यदि सर इसके बाद भी अगर कोई समुदाय विशेष को भड़काता है, उपद्रव करता है तो पुलिस क्या उस पर कार्रवाई करेगी? नहीं, हमने यहाँ पे शांति समिति में दोनों पक्ष थे, दोनों पक्षों के द्वारा आश्वासन दिया गया, हमें इन पर विश्वास भी है कि इस तरह की ऐसी कोई गतिविधि नहीं होगी और दोनों त्यौहार अच्छे से धूमधाम से लोग मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, इसी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। फिर भी ऐसी कोई गतिविधि होती है तो समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इसके द्वारा पुलिस के द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा है विशेष गली में? जी, अभियान पहले से भी चलते आ रहे हैं, सर्चिंग कॉपी के और भी अभियान चलाए जा रहे हैं और उसमें भी पर्याप्त व्यवस्था लगाई जाएगी, इस तरह की गतिविधि नहीं होने देंगे, ऐसी गतिविधि अगर होती है तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सर 7 तारीख को सर एक विशाल जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है, इसको लेकर पुलिस क्या
तैयारियां जुटा रही है। इसको लेकर हर साल की बात की इसकी जो रुकन है उसके हिसाब से व्यवस्था लगाई गई है और किसी कोई उसके गतिविधि नहीं। से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।